कैप्टेंसी को लेकर एक बार फिर से बवाल जो है वो शुरू हो चुका है। निमरत कौर के हाथ से कैप्टेंसी जो है वो चली गई है। अब दोबारा कैप्टन बनने के लिए एक कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। विल बिग बॉस के घर में इस वक्त घमासान शुरू हो चुका है। निमरत कौर जो कि काफी अच्छी तरह से खेल रही थी, और निमरत को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही थी कि जो निमरत है उन्हें लेकर काफी ज्यादा बायस्ड हैं बिग बॉस और लगातार उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो निमरत है उनके हाथ से कैप्टेंसी छिन गई है, लेकिन फिर से उन्हें मौका दे दिया गया है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है कि फिर से निमरत को ही मौका दे दिया गया है, और उनके साथ यहाँ पर शालीन भनोट का मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। वेल, सलमान खान का ये रियलिटी शो जो है वो एक बार फिर से युद्ध का मैदान बनता जा रहा है। इस शो को स्टार्ट हुए महज कुछ ही दिन हुए हैं और कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। आए दिन बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाई देखने को मिल रही है। अब शो में कैप्टेंसी को लेकर कंटेस्टेंट्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि शो की शुरुआत में ही टीवी एक्ट्रेस निमरत कौर को दिया गया था कैप्टेंसी और उन्हें कैप्टन बना दिया गया था, क्योंकि सीजन की पहली कंटेस्टेंट्स वो थी। अब उन्हें फायर किया जाएगा। इस बार का सीजन बहुत टफ है, क्योंकि बिग बॉस खुद कंटेस्टेंट्स के साथ खेल रहे हैं। कैप्टेंसी को लेकर निमरत कौर को बिग बॉस ने पहले ही बता दिया था कि वो अगर एक भी मिस्टेक करेंगी तो उन्हें कैप्टेंसी से हाथ धोना पड़ेगा, और आखिरकार अब ऐसा हो भी गया। यहाँ अब आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से निमरत को बिग बॉस का फोन आता है जो उन्हें सूचित करते हैं कि उन्हें कैप्टेंसी से निकाल दिया गया है। वेल, इतना ही नहीं, बिग बॉस ने ये भी अनाउंसमेंट कर दी कि कंटेस्टेंट्स में से जो भी निमरत को चुनौती देना चाहता है उन्हें गार्डन एरिया की ओर भागना होगा और वहां रखे गोंग को मारना होगा। शालीन भनोट पूरी ताकत से दौड़ते हैं और गोंग हिट करते हैं। इसी के साथ ही वो कैप्टेंसी टास्क के दावेदार भी बन जाते हैं। बिग बॉस के घर में निमरत कौर अहलूवालिया और शालीन भनोट के बीच सीजन का पहला कैप्टेंसी टास्क होगा। दोनों गार्डन एरिया में खड़े होंगे और अपने सिर पर बाल्टी रखेंगे, और घर वालों को उन कंटेस्टेंट्स की बाल्टी में वजन डालना होगा जिन्हें वो कप्तान के रूप में देखना चाहते हैं। शो में देखना होगा कि कौन कंटेस्टेंट कप्तान बनता है, यानी कि एक बार फिर से जो है वो निमरत के हाथ भी बाजी जा सकती है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि निमरत को लेकर जो खबरें सामने आ रही है कि निमरत को काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पार्शियलिटी उनके साथ की जा रही है। आते ही उन्हें कैप्टेंसी दे दी गई है और बिग बॉस जो है वो लगातार उन्हें मौके भी दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से बिग बॉस का गेम ही नज़र आ रहा है। देखते हैं अगर शालीन जो है वो कैप्टन बनते हैं तो क्या कुछ वो करने वाले हैं घर में, किस तरीके से अब वो नया गेम करेंगे, या एक बार फिर से निमरत को ही कैप्टेंसी दे दी जाएगी। अब जब अगर दोबारा कैप्टन जो है वो निमरत बनती हैं तो अब वो क्या बदलाव लाएंगी। हालांकि जो निमरत हैं वो बहुत ही पोलाइटली सबसे बात करती हैं, किसी से झगड़ा नहीं करती हैं, हर किसी के साथ अलग अलग तरीके से वो पेश आती हैं, कि उन्होंने जो है वो लॉयर की भी पढ़ाई की हुई है, इसीलिए उन्हें पता है कि किस तरीके से माइंड गेम खेलना है, ये बात वो अच्छी तरह से जानती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा शालीन और साथ ही साथ निमरत के बीच का ये जो मुकाबला है, कौन मारता है बाजी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बिग बॉस की लेटेस्ट अपडेट के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।